बिहार में शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस कई कदम उठा रही है, लेकिन शराब पर पूरी तरीके से नकेल नहीं कसी जा सकी। आलम यह है कि सोमवार को जब एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी तस्कर शराब की तस्करी में जुटे थे। देखिए रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच आपको सुनाते हैं, गौतम दक हमारे सहयोगी आशीष उनसे बातचीत करें, आपको सुनाते हैं। ऋण देने का निश्चित तौर पर काम करेंगे। बधाई दा, बधाई बधाई आज आप कार्यभार जी सर। कैसे बधाई। देखिए लाइव यहां पर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है और लाइव टीवी भी यहां पर चल रहा है। सर, ऋण माफी को लेकर लगातार सियासत होती है, लेकिन केंद्र और राज्य में जिस तरीके से अब डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित तौर पर इस विवाद को भी सुलझाने का काम करेंगे आप? निश्चित रूप से पिछली सरकार ने वादे तो बहुत किए थे, कहा था हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आपने देखा सारे खोखले वादे वो करके गए हैं। हम अपनी तरफ से ये प्रयास करेंगे किसानों को हम कैसे अधिकतम लाभ दे सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। सर, एक केंद्र सरकार ने बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट बनाया, ये एक्ट इसके लिए बनाया क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में लूट मची कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, राजस्थान में भी बड़ा आंकड़ा था, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। निश्चित तौर पर आप इसमें हल निकालने की कोशिश करेंगे? हम भी इसमें केंद्र सरकार ने ये जो काम चालू किया है इसमें हमारा भी सहयोगी के रूप में, हम भी जिनका पैसा फंसा हुआ है उनके सहयोगी के रूप में उनका पैसा कैसे हम निकाल सकते हैं वो हम प्रयास करेंगे। सर, एक देखने को मिलता है गृह निर्माण सहकारी समितियों में काफ़ी विवाद होता है, लगातार लूट मस्ती है, पिछले मंत्री जो है उनके साथ भी इस तरह का लूट मची थी और उनके साथ भी जिस तरीके से जो पूर्व जो मंत्री है उनके साथ भी इस तरह से मामला सामने आया था, तो निश्चित तौर पर आप इसमें भी काम करेंगे? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो बात हमारी भी जानकारी में आई है। आज जो हम बैठक कर रहे हैं इस विभाग की, तो उसमें समीक्षा करके इसको कैसे रोक सकते हैं उसको रोकने का प्रयास करेंगे। सर, विभाग के कई उपक्रम है, कॉन्फेड है, राजफेड है, देखने को ये आता है कि घाटे में चल रहे हैं या बिल्कुल कई कह सकते हैं हम कि निष्क्रिय हो चुके हैं, वो किस तरीके से ऊपर लाने का काम करेंगे आप? जो ये बता रहे हैं आज इस विभाग की समीक्षा करके हम कैसे हम एक नई उनके सुझाव लेकर के हम अपनी तरफ से कैसे उनको हम मजबूत कर सकें उसको प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए शुभ घड़ी भी यहाँ पर आ गई है, 11:15 बजने वाले हैं और मंत्री जी भी जिस तरीके से यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर कर रहा है और सीधा लाइव तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, राजस्थान न्यूज़ पर लाइव यहाँ पर देखने को मिल रही है और सीधे तौर पर हमारे सवालों का यहाँ पर जवाब है वो देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ज्वाइनिंग का अब शुभ मुहूर्त आ गया है, जिस तरीके से तमाम विधि विधान के साथ में यहाँ पर पूजा जो है वो की जा रही है और उसके बाद में यहाँ पर अपना पदभार कार्यभार ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे। सीधे तौर पर पदभार ग्रहण करने की जो तस्वीर है वो लगातार हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर जो देखने को मिल रहा है, अब देखिए पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ पर जो पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो विभाग के लोग हैं, तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए आ गए हैं और उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आ चुके हैं। सीधे लाइव तस्वीर जो हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, राजस्थान के कोऑपरेटिव मिनिस्टर गौतम कुमार दक यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं और जिस तरीके से कर्ज पर लोन पर लगातार जो राजनीति है वो देखने को मिलती है, तो सीधे तौर पर वो राजनीति खत्म करके और राजस्थान और में जो जिस तरीके का विवाद है वो सुलझाने का काम निश्चित तौर पर किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक है जो सीधे तौर पर यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। सीधी तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और निश्चित तौर पर जो यहाँ पर तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी,
तो देखिए यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि वजनलाल सरकार के एक एक मंत्री अब पदभार ग्रहण भी कर रहे हैं। आशीष तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, गौतम कुमार तक वहाँ मौजूद है, विधि विधान से पूजा वहाँ पर की जा रही है, अपनी सीट पर बैठने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले ये पूजा पाठ वहाँ पर चल रहा है। कौन कौन फिलहाल वहाँ पर और मौजूद है, जिस तरीके से आपने बातचीत की उनसे, क्या लगा कि अब जब इस कुर्सी पर बैठेंगे, अपना पदभार ग्रहण करेंगे, आगे क्या उनकी प्लानिंग रहेगी पूरे काम को लेकर? देखिए अभी वे डिपार्टमेंट को समझेंगे, परखेंगे और तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ फीडबैक लेंगे, उसके बाद में ये चर्चा की जाएगी कि कैसे विभाग को आगे बढ़ाना है, क्योंकि काम करने से पहले उसकी गहराई में जाना जरूरी है। तमाम जो दावे थे उनको पूरा करने का काम अपन सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर जो राजस्थान में देखने को मिला था कि कर्ज माफी को लेकर राजस्थान में सियासत थोड़ी तो जो केंद्र और राजस्थान में इस तरीके से कर्ज माफी को लेकर भी सियासत देखने को मिली थी। आशीष आशीष आपका माइक जरा ठीक कर लीजिए, आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है। जी जी बोलिए। जी देखिए जिस तरीके से लगातार जो राजस्थान और केंद्र के बीच में लगातार जो सियासत है वो गर्माती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही थी, कर्ज माफ़ी को लेकर जो कर्ज है वो माफ़ नहीं हो पा रहा था, ऐसा गौतम कुमार दत्त का भी कहना है। तो निश्चित तौर पर उसमें जो विवाद है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे और कर्ज माफ़ी को लेकर लगातार जो कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधते हुए यहाँ पर दिखाई दिए ज्वाइनिंग के दौरान, क्योंकि जो कर्ज है वो पूरी तरीके से किसानों का माफ़ नहीं हो पाया था, जो केंद्रीय जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनका जो बैंक वो माफ़ नहीं हो पा रहा था, जबकि कांग्रेस की सरकार ये कहती थी कि ये काम केंद्र सरकार का है, राष्ट्रीयकृत बैंक केंद्र के अंदर में आते हैं, लेकिन सीधे तौर पर जो अब डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं राजस्थान और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर अब हल यहाँ पर देखने को मिले और जो पिछली सरकार की जो घोषणा थी उसको राजस्थान की मौजूदा सरकार भजनलाल सरकार यहाँ पर किसानों को लाभ दे, क्योंकि कई तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा जो किसान हैं उनका ऋण अभी भी माफ़ नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण माफ़ नहीं हुआ जिस पर सियासत तेज़ हो रही थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, ये एक्ट केंद्र सरकार इसलिए लेकर आई क्योंकि जो देश भर में कॉपरेटिव सोसाइटीज़ की लूट मची उसको दूर करने का काम किया जाएगा और उनका पैसा फिर से लौटाने का काम किया जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा अटका हुआ है। जो हालांकि राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य था जो इस एक्ट को लागू किया था, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों का पैसा अटका हुआ है। जो लूट मची थी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, संजीवनी है या दूसरी सोसाइटीज़ है, तमाम जो सोसाइटीज़ है उसमें काफ़ी लूट देखने को मिली थी। इसीलिए अब राजस्थान की सरकार है वो ये काम कर रही है कि जिस तरीके से अब जो पैसा है वो कैसे लौटा पाए, क्योंकि बहुत आसान काम नहीं है पैसा लौटाना इन तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, हालांकि इनको सीज करने और जिस तरीके से बैंक में जिस तरीके से लगातार जो बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज करने का काम यहां पर सरकार की कोशिश है, और इनके तमाम जो जो कह सकते हैं हम संपत्ति है उन्हें यहां पर सीज करने का काम किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि गृह निर्माण सहकारी समिति, देखिए पिछली जिस तरीके से सरकार की बात करें तो उसमें जो पूर्व मंत्री थे उदयलाल आंजना, उनके साथ भी ऐसा ही धोखा हुआ था, उनकी ही ज़मीन पर जिस तरीके से जो गड़बड़ी है वो देखने को मिली थी, और इसके बाद में उनके साथ भी इस तरह का जो विवाद है वो सामने आया था, यानी कि उनके साथ भी जो लूट है वो गृह निर्माण समिति में देखने को मिली थी, जिसके बाद में अब सरकार ये काम करेगी कि निश्चित तौर पर ये तमाम जो विवाद है, तमाम जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाए। तो लगातार सेवा भाव से यहाँ पर काम करने के लिए कहा है। अब ज्वाइनिंग का समय यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं, परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और निश्चित तौर पर अब निश्चित समय पर शुभ घड़ी में मंत्री यहाँ पर ज्वाइन करते हुए। जी बिल्कुल आशीष, और शुभ घड़ी में, शुभ चौकड़ी में
भजनलाल सरकार के एक एक मंत्री जो है अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। आज गौतम कुमार दत्त इनका दिन है क्योंकि आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं और कार्यभार जैसा कि आपने बताया कि पहले काम को समझा जाएगा, फिर उसको एक एक करके धरातल पर लाया जाएगा, जो काम पहले की सरकार ने अधूरे छोड़े हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। और क्या फिलहाल लग रहा है कि जो भजनलाल सरकार के जो मंत्री हैं, तमाम जो परेशानियां पहले लोगों ने झेली थी, तमाम जो मुद्दे पहले थे जो सरकार पिछली सरकार छोड़ चुकी है, उनको किस तरीके से एक एक करके पूरा किया जाएगा उनके द्वारा, और अब जो जनता का भरोसा है वो फिर से भजनलाल सरकार के जो मंत्री हैं, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे उसको दिखाएंगे? आशीष आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, देखिए तमाम जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने का प्रयास निश्चित तौर पर किया जाएगा। जिस तरीके से एक तरफ कोऑपरेटिव मिनिस्टर यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी भी इस वक्त पूजा कर रहे हैं, पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और उसके बाद में वो सीट पर बैठेंगे। हालांकि जिस तरीके से जो पहले से जिस तरीके से तमाम जो मंत्री है वो लगातार ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और उसी के बाद में यहाँ पर ज्वाइनिंग का वक्त यहाँ पर आ गया है। तो निश्चित तौर पर अब सरकार लगातार तेज़ी से काम करेगी क्योंकि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव से आचार संहिता लग जाएगी और उससे पहले डिपार्टमेंट को कुछ रिजल्ट देने जरूरी होंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले जनता को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि राजस्थान में भी जिस तरीके से विकास का काम है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए तमाम जो मंत्री है वो अब ज्वाइनिंग कर रहे हैं और ज्वाइनिंग के साथ में आज पहली मीटिंग लेंगे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जिस तरीके से 3 बजे जल भवन में मीटिंग लेंगे और जिस तरीके से जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर है वो भी कुछ ही देर बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट की मीटिंग लेंगे, रिव्यू मीटिंग लेंगे, पहली मीटिंग समीक्षा लेंगे और उसके बाद में तमाम जो पहलू हैं उनको समझेंगे, उनको परखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आगे जो डिसीजंस है वो निश्चित तौर पर लिए जाएंगे। जी बिल्कुल आशीष, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरों के माध्यम से ज़रा दिखाएँ और बताएँ कि फिलहाल वहाँ पर कौन कौन मौजूद है और उनका स्वागत किया जा रहा है, गुलदस्ते उन्हें दिए जा रहे हैं और सभी उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए गुलदस्ते उन्हें दिए जा रहे हैं और सभी लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं और शुभ चौघड़ी में शुभ मुहूर्त निकालकर पदभार ग्रहण किया जा रहा है। गौतम कुमार दत्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ में उनका परिवार भी है। थोड़ी देर पहले मंत्रोच्चार के साथ में पूजा भी की गई थी और अब पदभार ग्रहण करेंगे। लाइट चल रहा है।